हेलो गाइस, इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाले नए मेटल ट्रिमर को, तो चलिए देखते हैं इसका रिव्यू। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें पैकेजिंग मिली। तो चलिए इसे हम खोल लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर और एक पैकेजिंग है, तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट को मैंने अमेज़ॉन से बाय किया है, तो आपको बाय करना है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपको लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी उससे ले सकते हो। इस बॉक्स पर आप देख सकते हो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें बॉक्स मिला है, तो चले इस बॉक्स को भी हम खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस बॉक्स में क्या क्या मिला है, हम एक बाय एक सबको साइड में रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके साथ एक मैनुअल मिला है, आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसे कैसे यूज़ करना है यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर ट्रिमर भी मिल चुका है, तो हम इसे साइड में रखते हैं और क्या क्या देखते हैं इस बॉक्स में। तो आप देख सकते हैं इसके साथ एक रिचार्जेबल सेल मिला है और दो ब्रश मिले, यहाँ पर एक ही मिलता है, बाय मिस्टेक दो आए होंगे। और क्या है बॉक्स में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके साथ एक ऑयल की छोटी बोतल मिली है, इसे साफ करने में काम आती है वो। तो अब एक बार हम ट्रिमर को देख लेते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फुल्ली मेटल से बना हुआ है, यहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ किया नहीं है किधर भी। और यह गोल्डन कलर में, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर ऑन करने के लिए स्विच है रबर का, और इसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है। और क्या क्या है इसके साथ देख लेते हैं। यहाँ पर कम ज़्यादा बाल काटने के लिए यहाँ पर चार सेट्स मिले हमें, जिससे कम ज़्यादा बाल कट कर सकते हो आप। तो हम इसे आप साइड में रखते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं एक रिचार्जेबल सेल मिला है, और ये ऑयल है, और यहाँ पर दो ब्रश मिले हैं, और इसे चार्जिंग करने के लिए एक सेल को डिवाइस मिला है, तो आप इससे चार्जिंग कर सकते। तो चले इसे मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ कैसे चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने के लिए सिंपली आपको अपने एडेप्टर में इसको लगा लेना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद स्विच ऑन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसे ऑन करने के बाद यहाँ पर ग्रीन लाइट जलने लगी है, तो अब इसे हम लगा लेते हैं। और लगाने के बाद आप देख सकते हैं इधर रेड लाइट लगी है, तो इसे हम एक घंटे के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं। 2000 years later। तो फाइनली गाइस, ये चार्ज हो चुका है। तो चले इसे हम अपने ट्रिमर में लगा के देखते हैं। इसको लगाने के लिए यहाँ पर नीचे आपको इसको एक बार घुमाना है, तो ये निकल जाएगा। फिर इसके अंदर आपको सेल डालना है, तो यहाँ पर आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। प्लस वाली साइड आपको इसके अंदर डालनी है, और फिर आपको ये ढक्कन लगा लेना है कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इसे ऑन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर पीछे एक स्विच दिया गया है रबर का, इसके ऊपर आपको एक बार टच करना है। एक बार टच करने से ऑन हो जाएगा और दूसरी बार टच करने से ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑन किया गया है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है। तो आपको इसकी टेस्टिंग मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ, लास्ट तक वीडियो देखना। सिंपली इसके ऊपर हम ब्लेड लगा लेते हैं, इसे ब्लेड बोलते हैं या सेट, आप समझ लेना इसको क्या बोलते हैं। तो इसके ऊपर हम 3mm का ब्लेड लगा के देखते हैं। गाइस, इस ट्रिमर की मुझे एक खासियत बहुत अच्छी लगी कि ये पूरा मेटल का है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी दी गई है। तो चलो मैं अभी इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसे कैसे काटूँ। तो फ्रेंड्स, इसका ब्लेड भी बहुत शार्प है और ये बहुत अच्छे से कट भी करता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसे अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर इससे बहुत फिनिशिंग के साथ यहाँ पर कट किया है। यहाँ पर मैं वीडियो पॉज करके आपको दिखा देता हूँ कैसे कट किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत फिनिशिंग के साथ इसने कट किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।